सो हे गाइस, शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा हमारे मैजिक क्यूब के स्टोर पर 10 नए बंडल ऐड होने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 10 न्यू बंडल ऐड होंगे। तो आप लोगों के पास एक या उससे ज्यादा मैजिक क्यूब तो होगा ही, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैजिक क्यूब के स्टोर पर अपडेट कब आने वाला है, 10 न्यू बंडल में से कौन कौन से रेयर बंडल आएंगे, आप लोगों को कौन सा रेयर बंडल लेना चाहिए, अपडेट कब कितनी तारीख को आएगा, भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और यार, आप लोग ये भी जानते होंगे कि हर ओबी अपडेट में हम लोगों को एक या दो इमोट फ्री में मिलते ही हैं। जैसे कि ओबी 28 के अपडेट में रैम्पेज इवेंट आया था, देन हम लोगों को थ्रेटन वाला इमोट मिला था। ओबी 29 के अपडेट में दिवाली आई थी, देन हम लोगों को हाथ जोड़ने वाला इमोट मिला था। ओबी 30 के अपडेट में बैटल इन स्टाइल का इमोट फ्री में मिला था। बात तो सही है। वैसे यार, हर ओबी अपडेट में एक या दो इमोट फ्री में मिलते ही हैं, लेकिन इस बार के अपडेट में रैम्पेज इवेंट आकर के चले जाने लगा, लेकिन रैम्पेज इवेंट के दौरान कोई भी फ्री का इमोट नहीं मिला। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी भी दो इवेंट आना बाकी है। पहला है फ्री फायर का नीता के साथ कोलेब्रेशन, एंड एक है बैटल इन स्टाइल का इवेंट। तो दोनों में से कहीं ना कहीं आप लोगों को एक इमोट फ्री में मिलेगा, या एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को फ्री फायर के साथ अनीता के साथ जो कोलेब्रेशन हुआ है, उसमें जो जो फ्री के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वो बताने वाला हूं। और सबसे खास चीज आप लोगों को जो बहुत मजेदार वो रहेगा, एक मेल का बंडल जो कि आप लोगों को फ्री में मिलेगा और बहुत ही क्रिंजी टाइप का होने वाला है। तो यार, इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट वेपन रॉयल, नेक्स्ट डायमंड रॉयल आने वाला है। तो 100% कंफर्म नेक्स्ट वेपन एंड डायमंड रॉयल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड बैटल इन स्टाइल इवेंट के अंतर्गत फ्री फायर प्ले स्टोर में रिटर्न आने वाला है। ये अच्छी गुड न्यूज निकल कर आ रही है, ये गरीना फ्री फायर खुद अपने पोस्ट में बताया है। तो इसकी सारी डिटेल अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मुझे पता है आप में से बहुत सारे प्लेयर ने लाइक नहीं किए, तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मजा आया। तो यार, अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ गरीना फ्री फायर द्वारा किए गए स्कैम के बारे में। और ये स्कैम किया गया है हम इंडियन सर्वर वालों के साथ। क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को याद होगा, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि वैल्यू पे इवेंट आने वाला है 26 जून को, और उसमें इलाइट पर डिस्काउंट आने वाला है। लेकिन यार, गरीना फ्री फायर ने कल ही में इस वैल्यू पे इवेंट में एक चेंज किया है और इलाइट पास को हटा करके उसमें दूसरा नया बंडल ऐड कर दिया। मतलब कि अब हमारे इंडियन सर्वर पर इस जून के मंथ में कोई भी इलाइट पर डिस्काउंट इवेंट नहीं आने वाला। और मैंने दूसरे सर्वर चेक किया, जैसे कि पाकिस्तान का सर्वर चेक किया, तो वहां पर भी उन्होंने इलाइट पर डिस्काउंट इवेंट दिया उनके सर्वर पर। और पहले आप लोगों को याद होगा इंडियन सर्वर और बांग्लादेश सर्वर दोनों सेम हुआ करते थे। तो बांग्लादेश सर्वर पर लकी व्हील इवेंट आ चुका है और उनको लकी व्हील इवेंट में एक डायमंड और 99 डायमंड तक उनको इलाइट पास मिल रहा है। लेकिन हम इंडियन सर्वर वालों को जो इलाइट पास दिया जा रहा था उसे भी हटा दिया गया। तो यार, गरीना फ्री फायर वाले इंडियन सर्वर वालों के साथ स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर लगा देना और सपोर्ट बनाए रखिए। और देखते हैं 27 जून को अगर इलाइट पर डिस्काउंट इवेंट नहीं आया तो हम सभी लोग बहुत बड़े लेवल पर जस्टिस चलाएंगे। तो यार, अब मैं आपको बता देता हूँ इस मंथ के सबसे खतरनाक इवेंट के बारे में, जो कि 25 जून से लेकर के 8 जुलाई तक चलने वाला है। इवेंट का नाम रहेगा रैम्पेज असिस्टेंट टोकन टावर। और इस इवेंट में हम लोगों को बहुत ज्यादा डायमंड लगेंगे, और डायमंड इसलिए लगेंगे बिकॉज इसमें हम लोगों को रैम्पेज का लेजेंडरी बंडल देखने मिलेगा। और इस बंडल की खास बात यह है कि हम लोग इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, 4 कलर चेंज कर सकते हैं, 4-4 एनिमेशन आने वाले हैं, और इसमें लुक चेंजर एनिमेशन आने वाला है। तो इस गजब के लुक चेंजर एनिमेशन के लिए एंड 4th नंबर पर लेजेंडरी वाली फिस्ट की स्किन आने वाली है, जो कि हर 5 सेकंड में कलर चेंज करेगी। उसके लिए मैं इस रैम्पेज टोकन टावर इवेंट में स्पिन मारने वाला हूं, 2500 डायमंड बचा के रखा इस इवेंट के लिए। तो देखते हैं मुझे कितने डायमंड में निकलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग इस इवेंट के लिए डायमंड बचा के रखी हो या नहीं हो। अगर आप लोग स्पिन मारोगे तो कितने डायमंड खर्च करोगे या फिर कर दिए हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यार, मैं फाइनली आप लोगों को बता देता हूं नेक्स्ट वेपन रॉयल एंड नेक्स्ट डायमंड रॉयल के बारे में। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डायमंड रॉयल जस्ट कल के नाइट में आ जाएगा और ये ब्लू कलर का डायमंड रॉयल है। तो आप लोगों का लक कितना है डायमंड रॉयल पर, ये कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप लोगों को याद होगा तो। और ये बंडल कुछ स्टेप्स रहेगा, मुझे अच्छा लगा बंडल, आप लोगों को कैसा लगा बता देना। उसके बाद में है वेपन रॉयल, जिसमें आने वाली है G36 की पहली स्किन है, जो कि वेपन रॉयल में आने वाली है। और इसका जो एक्यूरेसी है वो डबल प्लस रहेगी, रेंज सिंगल प्लस, मैगजीन माइनस रहेगी, मतलब कि अच्छी खासी एबिलिटी होने वाली है। तो यार, इसे निकालना तो बनता ही है। तो चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर, अगला एपिसोड। तो यार, अब मैं आपको बता देता हूँ हमारे अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो शायद आप लोगों को याद होगा 4 जुलाई को रैम्पेज इवेंट एंड होने वाला है, मतलब कि 5 जुलाई को नया इवेंट आएगा। तो आपको पता है कौन सा नया इवेंट आएगा? नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्री फायर ने अनीता के साथ जो कोलेब्रेशन किया है उसका इवेंट आने वाला है, जिसमें अनीता कैरेक्टर भी आने वाली है। तो उस इवेंट से रिलेटेड एक वीडियो शूट करना स्टार्ट हो गया, जिसका बिहाइंड द सीन आप लोग देख सकते होंगे, कुछ स्टेप से हो रहा है, 28 जून को पब्लिक हो जाएगा। तो जब पब्लिक हो जाएगा उसमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा आप लोगों को, रिडीम कोड वगैरह।
लेकिन उसका एक इवेंट प्रॉपर जरूर आने वाला है जिसमें आप लोगों को बहुत सारे रिवार्ड मिलेंगे। तो कुछ मेन फ्री के रिवार्ड मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इस इवेंट में ये अवतार बैनर आप लोगों को फ्री में तो मिलेंगे ही, साथ ही में आने वाला है एक नया कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर की सबसे खास बात यह है कि इस कैरेक्टर में कोई भी एबिलिटी नहीं है यू कैरेक्टर लाइक, लेकिन यू कैरेक्टर में कोई भी एबिलिटी नहीं जोड़ सकते, लेकिन इस कैरेक्टर की एबिलिटी में हम लोग 4 एबिलिटी जोड़ सकते हैं। बाकी कैरेक्टर में 3 एक्स्ट्रा एबिलिटी जोड़ सकते, लेकिन इसमें 4 एबिलिटी जोड़ सकते हैं। तो इस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी आपको फ्री रिवार्ड के बारे में बता देता हूं। तो इसके बाद में आने वाला है एक फीमेल का बंडल जो कि अभी आप देख रहे होंगे, तो ये हम लोगों को मिलने वाला है फ्री में, बिकॉज लड़कियों का बंडल है और लड़कियों के लिए गरीना फ्री फायर फिदा है भाई, उन लोगों को बहुत सारे फ्री के रिवार्ड देता है। उसके बाद में ग्रेनेड आप लोगों को देखने मिलेगा, लूट बॉक्स देखने मिलेगा एंड बैकपैक देखने मिलेगा। तो 3 रिवार्ड आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। और इस बैकपैक के पीछे लिखा हुआ है गर्ल बॉस, और यार लड़की का नाम लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली फ्री में ही देगा। उसके बाद में ये जीप की स्किन आप लोगों को टॉप अप इवेंट में देखने मिलेगी, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन किए गए हैं। उसके बाद में ये है इमोट वर्क वाला, तो यार 50-50% चांस है कि फ्री में भी दे सकता है या तो फिर डायमंड के टॉप अप करने पर भी देख सकता है, लेकिन क्रिंज वाला इमोट है। आप लोग निकालोगे या नहीं निकालोगे कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद में अगेन अवतार बैनर आप लोगों को फ्री में मिलेंगे, और मैंने बताया था जो मेल का बंडल फ्री में मिलने वाला है वो ये है, जिसका जो हेड है आप लोग देख सकते होंगे लड़की के टाइप है, लंबे लंबे बाल है, और इसका टॉप भी कुछ भाई बहुत ही क्रिंज टाइप से डिजाइन किया गया है। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे लड़की का है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लड़के को पहनाने वाला ये बंडल है। उसके बाद में आप लोगों को AK-47 की स्किन देखने मिलेगी, SVD की स्किन देखने मिलेगी, बैट की स्किन देखने मिलेगी, और ये ग्लोबल आप लोगों को टॉप अप इवेंट वगैरह में देखने मिलेगी। तो इतने रिवार्ड फ्री फायर के अनीता के साथ कोलैबोरेशन में आने वाले हैं। 5 जुलाई से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, 15 जुलाई तक चलेगा, उसके बाद में बैटल इन स्टाइल इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बैटल इन स्टाइल इवेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आप लोगों को अनीता कैरेक्टर के बारे में पता चला होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। 1 minute later. एंड यार शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हर ओबी अपडेट में 1 या 2 इमोट फ्री में मिलते ही हैं, उसी टाइप से इस अपडेट में भी अभी तक हम लोगों को फ्री का इमोट नहीं मिला। तो कौन सा मिलेगा आप लोगों को, अभी मैंने बताया अनीता कैरेक्टर का इवेंट आएगा तब उसमें ट्वर्क वाला इमोट आएगा। अगर ट्वर्क वाला इमोट नहीं दिया फ्री में तो फिर 100% कन्फर्म है कि बैटल इन स्टाइल इवेंट के समय में हम लोगों को ग्रेट कंडक्टर वाला इमोट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। Very dangerous. आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस ओबी अपडेट में जो भी इमोट फ्री में मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे लेना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या बात है। तो यार फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि मैजिक क्यूब के स्टोर पर अपडेट कब आने वाला है, उसकी कंफर्म डेट क्या है। तो यार कंफर्म डेट होने वाली है 29 जून से लेकर के 2 जुलाई तक, मतलब कि 4-5 दिन के अंदर ही हमारे गेम के अंदर मैजिक क्यूब के स्टोर पर अपडेट आने वाला है। 10 नए बंडल ऐड किए जाएंगे, तो 1 by 1 मैं आप लोगों को बंडल दिखा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को सोलेंस एक्सक्लूजनर बंडल देखने मिलेगा जो भी है, उसके बाद में रेमबो समर बंडल देखने मिलेगा, नाइट क्लाउन बंडल देखने मिलने वाला है, स्टार जनरल बंडल देखने मिलने वाला है, उसके बाद में वैम्पायर रिवेंज करके बंडल देखने मिलेगा, नेरिस करके बंडल देखने मिलेगा। ऐसे टोटल 10 बंडल आने वाले हैं। तो आप लोगों को इन 10 बंडल में से कौन सा बंडल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। यार मेरे पास नाइट क्लाउन बंडल नहीं है, मैं यहीं पर नाइट क्लाउन बंडल लेने वाला हूं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि आप लोगों के पास कितने मैजिक क्यूब है। मेरे पास 2-3 मैजिक क्यूब है, तो यार नाइट क्लाउन बंडल तो मैं लूंगा ही। और ये इवेंट 29 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच में आने वाला है, 100% कंफर्म है। तो यार इस अपडेट के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई कंफर्म अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड अपना ख्याल जरूर रखिएगा।